नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मोदी कैबिनेट ने बड़े फैसले को मंजूरी दी है। 33% महिला आरक्षण मोदी कैबिनेट में मंजूर हुआ है। नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि सालों से संसद में अटका था महिला आरक्षण विधेयक, नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मोदी कैबिनेट ने बड़े फैसले को मंजूरी दी है। हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद जुड़ रहे हैं इस वक्त, अमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमोद, सबसे बड़ी खबर ये कि आखिरकार वो लम्हा नजदीक आता जा रहा है जो संसद में बिल अटका हुआ था लंबे वक्त से, महिला आरक्षण बिल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस बिल की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी कि महिला आरक्षण बिल हो सकता है कि इस जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसमें लाया जाए, आज आनंद फानंद में कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई इसमें उसके बाद ये बताया गया कि एक अति महत्वपूर्ण बिल लाया जाएगा। सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि एक अति महत्वपूर्ण बिल, ऐतिहासिक बिल इस सदन में, इस सेशन में लाया जा सकता है, और वही हुआ। अभी सूत्र बता रहे हैं कि जो कैबिनेट की बैठक 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चली, 2 घंटे की बैठक में महिला आरक्षण बिल को लेकर 33% उनको आरक्षण देने को लेकर मुहर लग गई है। हालांकि अब भी जो आधिकारिक तौर पर इस पर कोई भी टिप्पणी करने से बच रहा है, कोई भी मंत्री इस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि महिला आरक्षण। आपके पास आऊंगी और आप हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, दोबारा डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी। आनंद प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, क्या कल ही ये बिल पेश किया जाएगा, क्या जानकारी इससे संबंधित? जी देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा करेंगे। हालांकि कल इसको पेश करने की संभावना कम है, संभवतः परसों इसको लोकसभा में पेश किया जाए। और आपको याद होगा कि आज प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा भी कि अभी तक 7500 सांसद कुल हुए हैं दोनों सदनों को मिला के, जिसमें से सिर्फ 600 महिला सांसद ही अब तक दोनों सदन दे पाए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही कहा था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि अभी कैबिनेट की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक बैठक हुई है, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री और लगभग 20 से ज्यादा सांसद मौजूद थे। उन सबको ये कहा गया कि कल और परसों ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाकर आप दोनों सदन उनको दिखाइए। तो इस बात का अंदाजा इससे भी हो गया है कि सरकार की तैयारी क्या है। और जो प्रधानमंत्री ने आज सुबह लोकसभा में कहा था कि 7500 सांसदों में से सिर्फ 600 ही महिलाएं हुई, तो ऐसे महिलाओं की संख्या बढ़ाना जरूरी है, तो कैबिनेट के फैसले से भी उस बात की तस्दीक होती है। आनंद, देखिए 2014 के बाद से कहा जा रहा था कि इस पूरे बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये बाहर आया है। सालों से अटका हुआ बिल था। अभी अगर मौजूदा वक्त में इसकी टाइमिंग को लेकर बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है, 2024 चुनाव नजदीक और उसके बीच ये अहम फैसला लिए जाने की ओर तेजी से बढ़ रही है सरकार? जी बिल्कुल, अगर आप आधी आबादी को न्याय देते हो, अगर आधी आबादी के लिए आप रिजर्वेशन लाते हो बिना किसी धर्म को देखे हुए, बिना कास्ट को देखते हुए, तो एक बड़ा गेम चेंजर ये फैसला है। और यही वजह है कि 2024 के लिहाज से अगर देखें तो अगर आधी आबादी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार कोई फैसला करती है तो जाहिर तौर पर इसका वोट के लिहाज से भी और एक सोशल मैसेजिंग भी इसका बड़ा अच्छा जाएगा। और यही सोचकर जब नई संसद बनी है, 75 साल आज़ादी के हो गए, जब नई संसद में जा रहे हो तो आप पहला फैसला, पहला डिसीजन ऐसा लेते हो जो ऐतिहासिक हो। और उस लिहाज से अगर देश की आधी आबादी को अब विधायिका में, संसद में अगर आरक्षण देते हो 33% का, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। अभी तक महिलाओं को हमेशा ये पुरुषों की तुलना में उनको कमतर आका गया। और यही वजह है कि जो प्रधानमंत्री आज भी बार बार कहा कि 7500 सांसद दोनों सदन दे चुके हैं 75 साल में, लेकिन सिर्फ 600 महिलाएं ही सांसद बन पाई है, तो ऐसे में कितनी बड़ी नाइंसाफी है महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ। मोदी सरकार में ऐसी योजनाएं हैं जो आधी आबादी के लिए है, उनसे जुड़ी हुई है, और ऐसे में महिला आरक्षण बिल 33% जिसके बारे में लगातार चर्चाएं हो रही है, उस ओर हम आगे बढ़े, लेकिन कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, इस वक्त आधा दर्जन पहले से ही योजनाएं हैं, तो क्या अगर 33% महिला आरक्षण बिल पेश होता है ये मोदी सरकार का 2024 से पहले मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है?
बिल्कुल जाहिर तौर पर मास्टर स्ट्रोक ही होगा और उन महिलाओं को इस आरक्षण के जरिए एम्पावर करने की कोशिश है और महिला ही फैसला करेगी देश के बारे में, देश की जनता के बारे में, और उनके लिए 33% सीटें जो है विधायिका में भी और लोकसभा में भी आरक्षित रहेंगी। यानी कि लोकसभा में जो सांसद बैठेंगे उनमें से 33% आपको महिलाएँ नजर आएंगी, और जब महिलाएँ फैसला करती हैं तो जाहिर तौर पर ये कहा जाता है कि आनंद मैं आपसे दोबारा लौटूंगी। तो ये अभी की बड़ी खबर महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जानकारी है कि आने वाले एक दो दिन में आपको ये महिला आरक्षण बिल टेबल होता हुआ नजर आएगा, और ऐसे में ये अगर आगे आने वाले वक्त में बिल पास होता है तो बड़ी कामयाबी के तौर पर न सिर्फ देश की आधी आबादी के लिए माना जाएगा इस बिल को, बल्कि मोदी सरकार के एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा सकता है। आनंद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे आपसे हम लगातार जुड़ते रहेंगे।